बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यमन ने इसराइल पर मिसाइलें डाल दी हैं, मध्य इसराइल को निशाना बनाया है। अब ऐसा लगता है कि अब एक और फ्रंट खुल गया है दूसरी तरफ से इसराइल के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अशरफ बानी जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या अपडेट है? बिल्कुल अंजना, दरअसल अगर हम देखें आज जहां 7 अक्टूबर ब्लैक डे के तौर पर इसराइल मना रहा है, वहीं पर हमास और हिजबुल्लाह इसे विक्ट्री डे के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि एक साल पूरा हो चुका है। एक तरफ से हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से 7 अक्टूबर को ही हमले हुए थे इसराइल पर, और दूसरी तरफ इसराइल में 1150 लोग मारे गए थे, 250 बंधक बनाए गए थे। लेकिन आज जो प्रक्रिया दी है, खासतौर से जिस अंदाज से हमास ने काफी समय के बाद एक बार फिर रॉकेट लॉन्चर जो है इसराइल पर दागे, उसके बाद हिजबुल्लाह ने करीब 150 रॉकेट दिन में जो है उत्तरी इसराइल पर दागे, जिनमें से कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचाए, क्षति भी पहुंची है घरों को। और अब हूतीज जो है उन्होंने यमन से एक दो मिसाइल जो है वो दागे हैं इसराइल की ओर, लेकिन अधिकतर इन मिसाइलों को नाकारा बना रहा है आयरन डोम सिस्टम जो इसराइल के पास है। लेकिन कहीं ना कहीं तीनों ये जो इसराइल के ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ये अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं कि साल भर इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद भी वो भी जिंदा है, और आगे कई महीनों या हम कहें काफी समय तक इसराइल को कड़ी चुनौती पेश करेगी। क्या होता हुआ दिख रहा है? अब देखिए, सब ऐसा मान रहे थे कि इसराइल एक बहुत बड़ा इंतकाम ले सकता है, लेकिन आज तो हिजबुल्ला इधर से हावी रहा, उधर से अब यमन ने भी मिसाइलें दाग दी हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसराइल मतलब ब्लैक डे या जो भी शो को मना रहे हैं उसके बाद कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि ये भी मान लेना कि इसराइल आराम से बैठा है थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। अच्छा अंजना, उसमें बिल्कुल वो बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि एक साल से लगातार जो है इसराइल जंग कर रहा है, वहां पर काफी सारे जो उद्योग हैं वो बैठे पड़े हैं पूरे एक साल से। खासतौर से अगर हम उत्तरी इसराइल की बात करें, 70,000 लोग जो हिजबुल्लाह की गोलीबारी के कारण उस इलाके को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, वो बेघर अपने ही देश में हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ से अभी भी 100 के करीब बंधक जो है वो हमास के पास पड़े हैं। बिल्कुल।